Hello everyone. So we are continuing our chapter today, and second topic we are starting, that is experiences and achievements of India, China and Pakistan. Means what experiences they achieved and what achievements they achieved, because they all three nations are independent nearby one another, but why there is a significant development changes. So सेकेंड टॉपिक है हमारा कंपैरिजन परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंटल इंडिकेटर. डेवलपमेंटल इंडिकेटर मतलब उनने अलग अलग इंडिकेटर्स बताए हैं जिससे हमें पता लगेगा कौन सा नेशन कितना हाई पहुंचा, उसको कहते हैं डेवलपमेंटल इंडिकेटर. जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है डेमोग्राफिक इंडिकेटर. तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान. तो आपको उसके अंदर थ्री इंडिकेटर्स के बारे में समझाना पड़ेगा, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर एंड जीडीपी सेक्टोरल चेंजेस एंड इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो अभी हम फर्स्ट इंडिकेटर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर. सी टेबल इज गिवन टू यू. इस टेबल में देखो उनने आपको इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान का अलग अलग शेड्यूल की इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पॉपुलेशन दी है, कितनी पॉपुलेशन है, एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन का कितना हो रहा है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है, सेक्स रेशो कितने हैं, मतलब मेल कितने हैं फीमेल के कंपैरिजन में, फर्टिलिटी रेशो कितना है एंड अर्बनाइजेशन कितना है. तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में है, चाइना में. अर्बनाइजेशन 59, दैट मीन्स मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इन अर्बन सेक्टर. और जबकि पाकिस्तान में क्या है, 37 अर्बन परसेंट अर्बन सेक्टर है और हमारे यहाँ 34%. मीन्स हम इंडिया सबसे बैकवर्ड है अर्बनाइजेशन में. कब, 2017 एंड 18 का लेटेस्ट ये चार्ट है डेमोग्राफिक इंडिकेटर. फर्टिलिटी रेशो, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी मीन्स सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ होते हैं, दैट इज पाकिस्तान इज द फर्स्ट 3.6%, जबकि हमारा इंडिया सेकेंड है 2.2, चाइना है 1.47. इसीलिए चाइना में अब क्या है, यूथ जनरेशन बहुत कम बची है, सारे वहाँ पे ओल्ड पर्सन है. इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रूल. नाउ व्हाट दे हैड मेल, मिनिमम टू चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली. अदरवाइज वहाँ पे अभी तक सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी चलती थी, ये हर फैमिली को बस सिंगल चाइल्ड रखना है. इसीलिए चाइना की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है. पॉपुलेशन बड़ी मगर यूथ जनरेशन कम हो गई है, यंगर बच्चे कम है, एल्डर बच्चे ज्यादा है, जिसके कारण अब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट में क्या होने लगा है, वहाँ पे जल्दी ओल्ड पर्सन होने वाले हैं, यूथ बहुत कम है. इस चक्कर में उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है. अब वहाँ पे भी उनने कह दिया है वन फैमिली टू चिल्ड्रन इज मस्ट. देन थर्ड, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर. तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स एरिया, सो दैट इज मोर इन our country and China or Pakistan. Pakistan second hai and China third hai. Ab agar aap inko point wise samjho jo aapko clear indication diya hai, so first India and China together are a habitat of nearly 38% of world total population. Dekho India ki population kitni hai, 1352 millions, jabki China ki 1393. To keh rahe hain India aur China mein nearly एक जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 38% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में ही है. इंडिया वाज लिटिल मोर, जिसमें इंडिया थोड़ी ज्यादा ही जा रही है. 1.3 बिलियन पीपल इज अ हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन अकेले कहाँ की है, इंडिया की है. चाइना वॉज नियरली 1.39 बिलियन पीपल, तो नियरली 20% पॉपुलेशन कहाँ पे है, चाइना की है वर्ल्ड में. और इंडिया की 18% पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में हम बस पाकिस्तान चाइना से 2% पीछे है. जबकि पाकिस्तान एक स्मॉल कंट्री है, तो भी वहां की पॉपुलेशन जस्ट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया की है. तो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन का 1/10 पोर्शन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, आपकी चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर विथ इंडिया and Pakistan. So China ki density of population, anybody can tell me what do you mean by density of population? Good. People living in per square kilometer area is called density of population.
स्क्वायर मीटर मालूम है ना क्या होता है, जब हम घर खरीदते हैं तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही जमीन आपको मिलती है, तो पर स्क्वायर मीटर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर विद इंडिया एंड पाकिस्तान, मीन्स वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, जबकि हमारे यहाँ फिर हम कहेंगे ज्यादा एरिया कवर अप है पॉपुलेशन के लिए। इट इज वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफ चाइना देन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 148 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर इन चाइना एंड कंपेयर टू 455 एंड 275 पर पर्सन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है, 148 परसेंट रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 455 और 275। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया कम है, जोग्राफिकल एरिया कम है और पॉपुलेशन हमारी चाइना जितनी है, इसीलिए हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 रह रहे हैं, उससे डबल से भी ज्यादा ट्रिपल एरिया में जा रहा है, और जबकि उनके यहाँ चाइना का एरिया वास्ट है, इसीलिए वहां पे कितना जा रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर में, बस 148 परसेंट रहते हैं, और पाकिस्तान में 275 परसेंट रहते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, लोअर डेंसिटी इम्प्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन द कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज, रेजिंग इट्स एबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी सारी चीजों को कह रहे हैं वो छोड़ो, बट अगर लो डेंसिटी होती, मतलब कम पॉपुलेशन होती, तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो उस कंट्री का फ्यूचर डेवलपमेंट होएगा, क्योंकि वहाँ पे चीजें फ्यूचर के लिए बची रहेंगी। इसलिए चाइना की क्या है, पर डेंसिटी कम है, पर स्क्वायर किलोमीटर कम है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन कम है एरिया वाइज, इसलिए उनके रिसोर्सेज उतने यूज नहीं हो रहे हैं जितना उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए वहाँ के रिसोर्सेज फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को पता रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब होगा, फ्यूचर कंट्री का डेवलपमेंट होगा, तो वहां के लोगों को उस चीज की नॉलेज रहेगी। देन थर्ड पॉइंट, फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो लो इन चाइना वाइल इट कंटिन्यूज टू बी हाई इन इंडिया एंड अलार्मिंगली हाई इन पाकिस्तान। फर्टिलिटी रेट मैंने बताया ही, वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी है तो वहां पे फर्टिलिटी रेट मतलब न्यू जनरेशन जो है कम है, जबकि इंडिया में ज्यादा है, और इंडिया से ज्यादा वो कहाँ है, पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा हाई है। चाइना हैज सक्सेसफुली कंटेन इट्स फर्टिलिटी रेट बाय परसुइंग द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। तो आपको ये रेट याद रखना है कि चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी बना के रखी थी। वन चाइल्ड पॉलिसी मीन्स सिंगल चाइल्ड इन अ ईच फैमिली, तो जिसके कारण वहां की फर्टिलिटी रेट क्या हो गई है, कम। देन फोर्थ पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर फर्टिलिटी रेट चाइना हैज द लोवेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जब वहां पे फर्टिलिटी रेट कम है तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो तीनों नेशंस के कंपैरिजन में चाइना की ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन में कम, वाइल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इज हाई एंड विथ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ इट इज फेयर दैट पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया में सून एक्सीड दैट इन चाइना। और ये होने वाला है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो चाइना को भी बहुत जल्दी कवर अप करने वाली है, क्योंकि वो बस 2% चाइना से कम है, जबकि ये नहीं है कि चाइना के पास रहने की जगह भी ज्यादा है और इंडिया में वो कम है, बट पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा होती जा रही है पाकिस्तान ए चाइना से भी। नाउ वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है, ये 1979 में चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इस पॉलिसी के अंदर चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा था 1.33% इन 1979 टू नियरली 0.46% इन 2017। 1979 में जो उनकी पॉपुलेशन 1.33% से बढ़ रही थी, अब वो कितने से बढ़ रही है, 0.46, मतलब इतना कंट्रोल हुआ है उनका। पॉलिसी वॉज डिसकंटिन्यू इन 2016, अब 2016 में ये सिस्टम बंद कर दिया है। As an impact of policy was felt even beyond population growth, owing to the high preference to a male child, having only girl child lead to a serious social discontentment. तो क्या हो रहा है कि बस high preference लोग लड़के को देते हैं, लड़कियों को देते नहीं है, तो लड़कियां वहां क्या होती जा रही है, कम, जिसके कारण problem आगे बढ़ने वाली है, gap आने वाला है girls और boys में, इसीलिए उनने ये system खत्म कर दिया है। So also due to one child policy, proportion of elderly people has started mounting.
और दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं मेंटल पॉलिसी से, वहां की पॉपुलेशन, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन, एल्डर पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, यंगर की कम हो गई है। तो ये दो कारण है जिसके कारण वहां का 2016 में सिस्टम बंद कर दिया है। ईच फैमिली वॉज अलाउड नाउ टू चिल्ड्रन, हर एक फैमिली को कम से कम दो बच्चे की परमिशन दे दी गई है। इतना सबको समझ में आ गया? देन फिफ्थ पॉइंट दी है, देन फिफ्थ पॉइंट, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों में ब्राइटर साइन है अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बन एरियाज, जहाँ मॉडर्न चीजें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाती है। मतलब गांव नहीं, डेवलप एरिया, उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो चाइना और पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इट इज कंसिक्वेंस ऑफ द शिफ्ट ऑफ वर्किंग फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वहां के लोग एग्रीकल्चर से किस सेक्टर की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ओर। हमारी कंट्री में 34% अभी भी अर्बनाइज कंपेयर है, 59% चाइना में है, पाकिस्तान में 37% है। इसीलिए हमारी कंट्री अर्बन सेक्टर में कम है और इनकी कंट्रीज अर्बन सेक्टर्स में हाई है। तो चाइना एंड पाकिस्तान वॉज बेटर रिकॉर्ड देन इंडिया इन जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर से हटकर वहां पे अदर देन एग्रीकल्चर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, और हमारे यहाँ उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देन सेक्स रेशो, सेक्स रेशो इज फाउंड टू बी बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल दी थ्री कंट्रीज। इन तीनों कंट्रीज में फीमेल्स और मेल्स के बीच में बहुत ज्यादा सेक्स रेशो में प्रॉब्लम है। तीनों जगह पे बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, या गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, मगर दोनों इक्वालिटी में नहीं है। तो 924, 949, 943 सबसे ज्यादा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में। दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, ये फीमेल्स का रेशो दिया है। हमारी कंट्री में 924 फीमेल्स हैं 1000 बॉयज पे, चाइना में 949 और पाकिस्तान में 943। तो दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स पॉपुलेशन। लो सेक्स रेशो के कारण क्या हो रहा है, आपके यहाँ गर्ल्स के साथ कुछ भी गलत गलत काम हो रहे हैं, तो वो चीजें क्यों हैं? क्योंकि गर्ल्स कम है और बॉयज ज्यादा है। तो ये सेक्स रेशो के कारण ही गर्ल्स चाइल्ड को ज्यादा प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है, इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनी रहती हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? सो फर्स्ट विच सेक्टर, अभी हमने कौन सी पॉइंट पढ़ी है? यस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड पॉइंट। यस, देन थर्ड, यस, देन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, सेक्स रेशो सेक्टर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीडीपी और सेक्टोरल चेंजेस। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन आवर कंट्री? हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन आवर कंट्री? व्हाट आर दे? यस, गुड। इन आवर कंट्री थ्री सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। Anyone can give me the examples of all these three sectors? Yes, farming, agriculture, farming, quarrying, mining, digging is related to which? Yes, conversion of raw material into finished good is related to? And under tertiary, what are the things coming? Yes, communication, transportation, banking, insurance, warehousing, all these are coming under tertiary sector. So these three sectoral changes and
with them what GDP is happening in our country. Now we are going to study that. So see, now again new schedule is given to you. Under this schedule, we should pronounce schedule instead of schedule. So under this schedule, what is given? 1980 and 1990 information given and 2015 and 17 information is given to us. Tell me, GDP of which country is highest? 90, which is the highest? First is China, second is Pakistan, and then India. But in 2015 and 17, what happened? Our country jumped to the first position. Second, China, and third, Pakistan. But again, what is happening due to this COVID situation? Because after the 17-18, just COVID situation arises after 2-3 years. So again, the GDP of our country had gone down. So how it increases, that only now they are going to explain. Size of economy. Size of economy, agar dekha jaye, so China is the second largest economy in the world for GDP. $22.5 trillion unki income hai. At 9.03 trillion, India ki GDP hai. That is 41% of China GDP. Matlab China ki jitni bhi GDP hai, uska 41% India earn kar rahi hai. Pakistan ki hai 0.94 trillion. That means India ki jitni GDP hai, uska 11% bas kaun earn kar rahi hai? Pakistan. Matlab Pakistan ki GDP to bahut kam hai, kyunki wo India ka GDP ka 11% earn kar rahi hai. Aur hamari country Pakistan, China ki GDP ka 41% earn kar rahi hai. To best kaun hai? China. Second, growth rate of GDP. To growth rate dekhe to 1880 and 90 mein चाइना की एवरेज ग्रोथ 10.3% थी, जबकि हमारी इंडिया और पाकिस्तान 5.4-6.3% थी. नोट हियर, पाकिस्तान हमसे बेटर थी, जबकि 2015 और 17 आते तक, मतलब 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद, चाइना और पाकिस्तान हैव डिक्लाइन और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई. ठीक है ना? फिर इंडिया वॉज लिटिल मोर देन 1.3 बिलियन पीपल इन अ हैबिटेंट फॉर नियरली 18%. नहीं, इसके बाद आपका रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना. तो अब इनने रीजन दिया है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों कम हो गई थी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों कम हो गई थी. तो रीजन है स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी. फॉरेन कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड वाइड में चाइना की चीजों का बैन कर दिया गया था, खरीदने से मना कर दिया गया था. चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई थी क्योंकि अपनी कंट्री में खुद ही के सब्स्टिट्यूट बनाने लगे थे सब लोग, चाइना के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने लगे, तो इसके कारण चाइना की जीडीपी कम हो गई थी. ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन. इवन चाइना की कंट्री के लोग भी खुद चाइना का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहां के लोगों ने बना लिया था हमें सेव ज्यादा करना है, खर्चा कम करना है, इसलिए ऑटोमेटिकली वहां की कंट्री की डिमांड कम हो गई थी. तीसरा, करप्शन क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे. चौथा, चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हाई वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. चाइनीज लोगों को ज्यादा सैलरी के काम मिलने लगे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड में जाने लगे हैं क्योंकि वहां उन लोगों ने सीख लिया है, तो अब उनको दूसरी कंट्रीज वाले हाई जॉब पे काम दे रहे हैं तो वो फिर चाइना छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वहां की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम. द चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हाई जीडीपी हैज लेड टू सीरियस चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चाइनीज की गवर्नमेंट को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मीन्स वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ के बारे में भी उनको सोचना पड़ रहा है. तो ये चार रीजन है, पांच रीजन जिसके कारण चाइना की इनकम कम हो गई थी. क्या क्या है? पहली पॉइंट चाइना की ग्रोथ कम होने का. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट रीजन. इन अदर नेशन, नॉट देयर ओन नेशन. चाइनीज population is getting opportunities to migrate from one place to another. They will get high salary. Due to that, they are migrating or moving from China to the other nations for the high job salaries. And then, environmental pollution. Okay?
So now, reasons for Pakistan, why Pakistan income is slowing down. Domestic investment as well as FDI has started shrinking. Accordingly, GDP growth has been severely hit. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब पाकिस्तान के पास खुद के पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो खुद अपने प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सके, ना कोई फॉरेन कंट्रीज उनके यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ क्या हो जा रही है, कम. क्योंकि जब उनके पास खुद के पैसे नहीं है तो दूसरे नेशन अगर इन्वेस्ट करते तो उनकी ग्रोथ हो जाए, बट नो अदर नेशन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्री. ड्यू टू दैट देयर ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन. सेकेंड, करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मेन फैक्टर. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स पॉलिटिक्स के कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. एनी टाइम दे आर चेंजिंग, दे आर सीइंग देयर पर्सनल बेनिफिट्स. देन थर्ड, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्लम डाउन. तो वहां पे जो एनुअल ग्रोथ रेट है जीडीपी का 3.75% से 2008 और 16 में, 2017 में और कम होता जा रहा है. तो पाकिस्तान ग्रू एट अ रेट ऑफ 5.3% इन 19 एंड फर्दर स्लम टू 3.3%. तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुई, फिर तुरंत गिर गई. ओइंग टू स्लो जीडीपी, कंसिक्वेंटली द लोअर लेवल ऑफ इनकम. तो जब जीडीपी कम है तो उसका मेन कारण क्या है, वहां के लोगों की इनकम कम है. तो पाकिस्तान इकोनॉमी जो है लो इनकम ग्रुप हो गई है. लो इनकम ग्रुप मीन्स वहां की सैलरी पर पर्सन बहुत कम हो गई है. तो ये सारे कारण है जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं हो रही. प्लीज टेल मी द पॉइंट्स नाउ, व्हाई पाकिस्तान ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज लेस एंड देन बताइए और कौन से कारण है. FDI is less. No other nation is ready to invest in our nation. Then next, अगर आपकी खुद की ग्रोथ कम है उसके कारण भी, ठीक है ना. नाउ वन मोर शेड्यूल दे हैव गिवेन अबाउट सेक्टोरल शेयर. सेक्टोरल शेयर मीन्स सेक्टर वाइज नाउ दे हैव गिवेन दी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेक्टर हाउ मेनी वर्कर्स आर एंगेज इन विच सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले कहाँ था, पाकिस्तान का डेवलप था. उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना का डेवलप था, और सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का डेवलप था. ऐसे करके देखो तीनों जगह हंड्रेड 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 आ रही है, बट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेवलप सर्विसेज है. और सब जगह आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्या है, सर्विसेज. और वर्क फोर्स देखे तो हमारे वर्कर्स सबसे ज्यादा किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में. और दूसरे सेक्टर्स में कहाँ लगे हैं, सर्विस में चाइना में. और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मगर कंपेयरिंग टू आर परसेंटेज इज लेस. तो ऑल दी थ्री कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस अ नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. नो लॉन्गर एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर. आज के जमाने में एग्रीकल्चर प्रिंसिपल मेन इनकम नहीं बचा जीडीपी का. आज हमारी जीडीपी जो हो रही है वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से हो रही है, हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से नहीं हो रही है. पहली पॉइंट उनने ये चीज समझाई है. दिस मच इज क्लियर. आफ्टर दैट दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. Economies of India and Pakistan relying heavily on tertiary sector. तो sectoral contribution अगर देखे तो India और Pakistan heavily किस पे हुए, tertiary sector पे. फिर उसके बाद industrial sector है, but China जो है सबसे ज्यादा rely करता है service sector पे. But its industrial sector is not lagging far behind. मगर उनकी industries भी nearby है, बहुत ज्यादा difference नहीं है उनका service और industrial sector में. India इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30% है तो पाकिस्तान 19% है, और चाइना सबसे ज्यादा है 41% इंडस्ट्रियल सेक्टर में. दिस पॉइंट टू अ मच डीपर स्ट्रक्चरल चेंज दैट चाइना इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा बेटर है स्ट्रक्चरल एरिया में. तो एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इज लाइक अ एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. चाइना का एक्सपीरियंस देखकर लगता है कि वो सबसे डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखे अगर तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में जीडीपी जो है
सेकेंडरी सेक्टर का टर्शरी सेक्टर से इमर्ज हो रहा है और लीड कर रहा है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर से डेवलप हो रहा है. इंडिया एंड पाकिस्तान हाउएवर शोज अ मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर. इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा चेंज करा है प्राइमरी सेक्टर से अपने आप को किस सेक्टर में चेंज करा है, टर्शरी सेक्टर में. एन एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान मेकिंग इज ओइंग टू द फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दीज इकोनॉमी विद अ ग्लोबल इकोनॉमी. तो जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं उतना ज़्यादा आपका एक नेशन दूसरे नेशन पे कितना डिपेंड है वो पता लग रहा है, और हमारी साथ में इनकम ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है. तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कौन सी डेम सेक्टोरल सेक्टर एंड जीडीपी ग्रोथ सेक्टर. Keep studying.